Delta 21 presents to you the very first podcast series, Delta 21 Diaries, Stories from the Field. Delta 21 Diaries is a compilation of stories from the students, teachers, parents, and other stakeholders from the implementation field. The Delta 21 project is being implemented in the Municipal Corporation of Greater Mumbai Schools in MWOD East and West by Center of Excellence in Teachers Education, TIS, in collaboration with Capgemini. The project aspires to provide equitable opportunities to students irrespective of gender and socioeconomic status and enable them to emerge as 21st century learners by undertaking authentic and research-based learning with technology to improve their own life and community well-being. The project also aims to enable teachers to use constructivist teaching and learning with technology and distance technologies for active and collaborative learning to foster digital agency and 21st century skills in regular classroom practices. Delta 21 podcast series में आपका स्वागत है। मैं नूर सबा, मेरी कहानी का शीर्षक है कोशिश। ये कहानी अलीजा की है। अलीजा 15 साल की है, जो अपने दो छोटे भाइयों अम्मी अब्बू के साथ शिवाजी नगर के रफ़ी नगर एरिया में रहती है और यहीं के रफ़ी नगर स्कूल में पढ़ती है। अलीजा की अब्बू ओला ड्राइवर है और अम्मी घर में हाथ काम करती हैं, जिसमें अलीजा भी उनकी कभी कभी मदद करा देती है। अलीजा की फैमिली कुछ महीने गांव और कुछ महीने शहर में रहते हैं, इस वजह से अलीजा की पढ़ाई उसके गाँव के स्कूल में हुई। अलीजा की अम्मी की तबीयत ज़्यादातर ख़राब होने की वजह से अलीजा को अपने घर का काम करना पड़ता था, इसलिए अलीजा सिर्फ एग्ज़ाम देने स्कूल जाती थी, पढ़ने नहीं जा पाई, जिस वजह से अलीजा की पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हुआ। अलीजा की दादी और अब्बू का कहना था कि अलीजा पढ़ लिख कर क्या करेगी, नौकरी तो इसे करनी नहीं है, चूल्हा ही जलाना है, तो हम इसे इतना क्यों पढ़ाएं। और अलीजा को इस बात से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था, वो तो खुश थी कि उसको स्कूल नहीं जाना पड़ता है। अलीजा को गांव से आने में देर हो गई थी, जिस वजह से अलीजा का शिवाजी नगर के दो सरकारी स्कूलों में एडमिशन नहीं हो पाया, तो अलीजा के अब्बू ने रफ़ी नगर के सरकारी स्कूल में अलीजा का एडमिशन करा दिया। अलीजा ने कभी भी लैपटॉप कंप्यूटर नहीं चलाया था, सिर्फ अपने अब्बू के मोबाइल पर गेम खेलती थी। रफ़ी नगर स्कूल में डेल्टा कंप्यूटेशनल थिंकिंग कैंप का कंसर्न फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो अलीजा ने अपने क्लास टीचर से पूछा कि ये फॉर्म भरकर देने से क्या होगा, तो उसकी टीचर ने कहा कि कंप्यूटर सिखाया जाएगा, बस फिर क्या था। अलीजा ने जल्दी से फॉर्म लिया और अपने घर लेकर गई, अपने अब्बू को बताया तो उसके अब्बू ने मना कर दिया, पर अलीजा ने हार नहीं मानी, बार बार अपने अब्बू को मनाया और उसके अब्बू जब नहीं माने तो उनके सर की मालिश की, तब जाकर अलीजा के अब्बू ने अलीजा के फॉर्म में साइन की, उसे टीस आने की इजाज़त दी। जिस दिन कैंप स्टार्ट हुआ, डेल्टा की तरफ से सभी बच्चों के लिए बस भेजी गई थी, लेकिन अलीजा को लेट होने की वजह से उसकी बस छूट गई, तब अलीजा अपने अब्बू के साथ टीस आई थी। अलीजा को इस बात की खुशी हो रही थी कि उसे तो लैपटॉप चलाने मिलेगा। टीस में सभी बच्चों का ग्रुप बनाया गया तो अलीजा का भी एक ग्रुप बना। अलीजा ने आज से पहले कभी ग्रुप में काम नहीं किया था, इसीलिए उसे अच्छा नहीं लग रहा था ग्रुप में काम करना और वो थोड़ा डर भी रही थी। अलीजा को जब उसके बारे में बोलने के लिए कहा गया तो अलीजा एकदम डर गई और उसकी डर से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। रोशन सर के बार बार समझाने पर और हिम्मत दिलाने पर उसने थोड़ा बोला, क्योंकि उसने कभी भी इतने लोगों के सामने और माइक में बोला ही नहीं था, इसीलिए वो बहुत घबरा गई थी। अलीजा का कहना है कि वे इस कैंप से उसने बहुत कुछ सीखा, जैसे गूगल में कैसे सर्च करते हैं। पहले वो सिर्फ यूट्यूब का यूज़ करती थी अपनी पढ़ाई के लिए, लेकिन अब यूट्यूब के साथ साथ वो गूगल का भी यूज़ करती है पढ़ाई के लिए, और अगर उसके भाइयों ने उससे कुछ पूछा और उसे ना आया तो वो गूगल कर बताती है अपने भाइयों को। पहले जब वो गेम खेलती थी तो उसे ऐसा लगता था कि ये गेम कोई इंसान नहीं बनाता है, बल्कि मोबाइल में अपने आप आता है, ये एक जादू है,
लेकिन अलीजा ने खुद यहाँ पर गेम बनाया और दूसरे लोगों ने उसका गेम खेला और उस गेम की तारीफ की, तो अलीजा को समझ आया कि मोबाइल में गेम एक जादू नहीं है, इसे तो इंसान ही बनाते हैं और इसे तो ये खुद बनाएगी अपने भाइयों के लिए। बस अलीजा को अपने लैपटॉप आने का इंतज़ार है। अलीजा जब अपने ग्रुप में काम कर रही थी तो उसने देखा कि सारे बच्चे बहुत खुश हैं कैंप में और हर चीज़ में आगे आगे भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, और उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उसके पढ़ने और सीखने के लिए, कंप्यूटर सीखने के लिए कोई रोक टोक नहीं लगाई और बल्कि सपोर्ट करते हैं। इन सभी के पास अपने अपने सपने हैं जो वो पूरा करेंगे। सपना तो अलीजा का भी है बच्चों का डॉक्टर बनने की, पर उसने कभी सोचा नहीं अपनी पढ़ाई के बारे में और ना ही अपने सपनों के बारे में। पहले उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन टेल्टा कंप्यूटेशनल थिंकिंग कैंप ज्वाइन करने के बाद अब वो सोचती है अपनी पढ़ाई, सपने, फैमिली के बारे में और अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में कि ये कैसे सॉल्व होगी। उसने अपने आगे की पढ़ाई के लिए अपने अब्बू को मनाना शुरू कर दिया है और अपने दोनों छोटे भाइयों को भी पढ़ाती है, जिससे उसके अब्बू बहुत खुश रहते हैं। उसने अपने आगे की पढ़ाई के लिए रास्ता बनाने का काम शुरू कर दिया है और मुझे उम्मीद और यकीन है कि अलीजा ने जो एक छोटी सी कोशिश की है उसे उसकी मंजिल ज़रूर मिलेगी।